नमस्कार, माँ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर जाएंगे चूरू जिले में, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे श्री मालासी भैरव जी के। मालासी भैरव जी मालासी गांव में स्थित है, जयपुर से लगभग 214 किलोमीटर की दूरी पर यह मालासी गांव स्थित है। साथ ही सालासर से यह लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी मकान नज़र नहीं आता, सिर्फ पेड़ ही पेड़ और रेत ही रेत नज़र आती है। यहाँ पे सफ़र का आनंद लेते हुए हम पहुँचेंगे चूरू ज़िले में, और हम पहुँच चुके हैं मालासी गांव, और हम आपको दिखाएंगे यहाँ का एक छोटा सा व्यू। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को जो इस टाइप के कुएं शायद ही दिखाई देने, आज यह कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो चलते हैं हम थोड़ा सा और। हमारा राजस्थान मरु प्रदेश देश है, जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है। कुछ विशेष प्रकार के कुएं भी दिखाएंगे, राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में ही पाए जाते हैं। आपको ये कुछ कुआं सा दिखाई दे रहा है, जब बरसात होती है तो इन कुओं में यह पानी इकट्ठा होता है, और इस इकट्ठे पानी को यहाँ के लोग साल भर तक यूज करते हैं। तो लीजिए, हम मालासी भैरव जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ भीड़ भाड़ आपको नज़र आ रही है, साथ ही यहाँ पर प्रसाद की दुकान और खाने पीने की दुकानें भी हैं। यहाँ पे इस मंदिर में जो भी दर्शन करने आता है, यहाँ पर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, और कहते हैं कि यहाँ का प्रसाद चढ़ाने के बाद घर पर लेकर नहीं जाते हैं, यहाँ पर ही इस प्रसाद को खाया जाता है। इनको प्रसाद में तेल, लड्डू, ज्वार, अगरबत्ती, मौली, नारियल आदि के रूप में इनको चढ़ाते हैं। तो अब हम दर्शन के लिए चलते हैं श्री मालासी भैरव जी, जिन्हें हम कुएं वाले भैरव जी भी कहते हैं। इन्हें कुएं वाले भैरव जी क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है जो हम आपको बताएंगे। जब वह पहली बार अपने ससुराल गए तो वहाँ पर उनका आवभगत किया गया, उनका सम्मान किया गया, और उनके आने की खुशी में वहाँ के औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए, और वहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था। रिक्ता राम जी के साला और सालियों को एक मजाक सूझी, उन्होंने रिक्ता राम जी को कुएं पर ले गए, उन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया, और कुछ देर तक मजाक चलती रही। लेकिन अचानक रिक्ता राम जी का हाथ उनसे छूट गया और रिक्ता राम जी कुएं में गिर गए और उनके प्राण निकल गए। जब लोगों को पता चला कि रिक्ता राम जी कुएं में गिर गए और मर गए, तो लोगों ने कहा कि यह गांव के जवाई हैं और उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ पूजा जाना चाहिए। तभी से मालासी गांव के लोग उन्हें और उस कुएं को पूजने लगे, और धीरे धीरे जब लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी तो वहां के लोगों में आस्था बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उस गांव का नाम होने लगा, और धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ने लगे। तभी से उन्हें मालासी भैरव जी और कुएं वाले भैरव जी के नाम से जाना जाता है। मालासी भैरव जी को रिक्तिया भैरव जी भी कहते हैं। यहाँ पर नवरात्रों के दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, और दर्शन के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। दर्शन के लिए लोग यहाँ पर लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उसके बाद ही श्री मालासी भैरव जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर इनके दर्शन के लिए
कोने कोने से लोग आते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। तो माला शिव भैरव जी के दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए, तो हमारे रास्ते में आपको कुछ और व्यू भी दिखाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ इसी टाइप के कुएं मिलेंगे। यह है रास्ते में एक छोटा सा जलाशय जहाँ पर हम थोड़ी देर रुके। आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।